नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल जी के 24 नॉलेज पर। कैसे हो दोस्तों, सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम अपनी ये वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें 25 क्वेश्चनों को कवर किया था। ये 50 क्वेश्चन दोस्तों इसलिए कर रहे हैं इस वीडियो में क्योंकि हमारे पास समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है और आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके, इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन डाल रहा हूँ अब हर वीडियो में, ताकि 1500 प्लस क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले कवर हो जाएं और उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, इसलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन द्वारा पकड़ा गया था? तो दोस्तों ये पकड़ा गया था मलका, ठीक है। कौन पकड़ा गया था नेता मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन द्वारा पकड़ा गया था? मलका। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसको मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है बहादुर नाहिर को। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम में, जरूर देख ली, पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं। और दोस्तों जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन होगा उसको दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों ये जो निम्नलिखित में से किसको मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है बहादुर नाहिर को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करनाल का युद्ध किसके द्वारा नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया था, किस सन में लड़ाया गया था? तो दोस्तों ये लड़ा गया था 1747 में। यह युद्ध करनाल का युद्ध है और ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था 1747 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में साहसिक कृत्यों के लिए रेवाड़ी के किस राव की प्रशंसा की थी? तो दोस्तों ये की थी बालकृष्ण की। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में साहसिक कृत्यों के लिए रेवाड़ी के किस राव की प्रशंसा की थी? तो दोस्तों ये की थी बालकृष्ण की। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के वर्तमान सितंबर 2017 को प्रमाण मानते हुए कृषि मंत्री हैं? तो दोस्तों ये है ओम प्रकाश धनखड़। और ओम प्रकाश धनखड़ दोस्तों कृषि के साथ साथ विकास एवं पंचायत, खनन एवं भूगर्भ, पशुपालन एवं डेयरी मत्स्य पालन भी मंत्री है और दोस्तों ये बादली से विधायक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नगदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार BHIM भीम ऐप के माध्यम से बिल के भुगतानों पर कितने परसेंट की छूट प्रदान करेगी? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार उस टाइम पर जब ये एग्जाम हो रहे थे तो काफी रिपीट हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5%, लेकिन अधिकतम 50 रुपए तक ही आपको मिलेगा और 5% जो है वो मिलेगा आपको। तो इसका राइट आंसर ये है 5%, लेकिन अधिकतम 50 रुपए तक। अब दोस्तों चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा सरवण जयंती उत्सव को ध्वजांकित किया था? तो दोस्तों ये किया था नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हरियाणा सरवण जयंती उत्सव को ध्वजांकित किया था। अब बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा में जन्मी ऋतु रानी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो दोस्तों ये करती है हॉकी के अंदर। और ऋतु रानी का जन्म शाहबाद कुरुक्षेत्र में हुआ था और ये हॉकी की प्लेयर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने गोदरी का लाल पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लें। गोदरी का लाल जो पुस्तक है वो मदन गोपाल शास्त्री ने लिखी थी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अस्तित्व पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों जो अस्तित्व जो पुस्तक है वो मंजीत शर्मा मीरा के द्वारा लिखी गई है। पर्सन एक पुरस्कार का पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। दो तीन क्वेश्चन आए थे दोस्तों इस एग्जाम के अंदर पुस्तक से संबंधित, ये श्रीनिवास वत्स के द्वारा लिखी गई है। पर्सन एक पुरस्कार पुस्तक जो है वो श्रीनिवास वत्स के द्वारा लिखी गई है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में प्रमुख जाति समूह है? तो दोस्तों हरियाणा के अंदर जो सबसे प्रमुख जाति समूह है वो जाट एवं यदुवंशी अहीर है। ये दो प्रमुख जो है जाति समूह है हरियाणा में। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा शहर आधुनिक भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है? तो दोस्तों ये शहर है चंडीगढ़। दोस्तों जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, नीचे रेड कलर का एक बटन होगा, क्योंकि मैं एग्जाम तक जो है आपको ऐसी वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए और 1500 प्लस क्वेश्चन आपके कवर करवाए जाएंगे इन वीडियो के अंदर।
और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें। हरियाणा में 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार कितने दुग्ध संयंत्र मिल्क प्लांट है, तो दोस्तों ये है 5। ये 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार है और एग्जाम में भी आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा कि 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार कितने दुग्ध संयंत्र मिल्क प्लांट है हरियाणा में, 5। अब दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की। हरियाणा के कारागार कैबिनेट मंत्री कौन है, तो दोस्तों ये है कृष्ण लाल पवार। और कृष्ण लाल पवार दोस्तों परिवहन विभाग मंत्री भी है और ये इसराना से जो है विधायक है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन कर मुक्त नहीं है, तो दोस्तों ये बाजरा था जो 2016-17 के बजट में जो है उत्पादन कर मुक्त नहीं था। दोस्तों एक बात बता देता हूं, जो आपका जो एग्जाम होगा डी ग्रुप का, इसके अंदर बजट से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है, तो बजट से संबंधित जो है आप पूरी जानकारी याद कर लें, आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और भी दोस्तों करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब देवलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निम्नलिखित में से किसके बकाया ऋण को माफ करने का सरकारी आदेश जारी नहीं किया था, तो दोस्तों ये जारी नहीं किया था कारखाना श्रमिकों को लिए। जब देवलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निम्नलिखित में से किसके बकाया ऋण को माफ करने का आदेश सरकारी आदेश जारी नहीं किया था, दोस्तों सरकार जो कारखाना श्रमिक है उनके लिए आदेश जारी नहीं किया था। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 18 की। पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन सदस्यों में से किया जाता है और इनका कार्यकाल कितना होता है, दोस्तों इसके बारे में तो आपको सभी ने पता होगा इसका 5 वर्ष कार्यकाल होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार देश में चावल के केंद्रीय पुल में राज्य का कितना परसेंट योगदान रहता है, दोस्तों ये 45% जो है योगदान रहता है चावल के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये काफी आसान है आपके लिए, काफी बार आपने पढ़ रखा होगा और आप सभी को पता होगा। हरियाणा के सांख्यिकी सार 2015-16 के अनुसार हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्र है, दोस्तों ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन कवर किए थे, वो वीडियो जरूर देख लें आप, और इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि आपका एग्जाम से पहले काफी क्वेश्चन कवर हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 21 क्वेश्चन की। करनाल जिले में स्थित नहीं है, तो दोस्तों आपको सभी ने पता होगा कि जो केंद्रीय बेस अनुसंधान संस्थान है वो हिसार के अंदर है और गेव अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो है ये करनाल में है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिरसा के पानीहारी में साबू सा मेला कब आयोजित किया जाता है, दोस्तों आपके एग्जाम में भी मेलों से संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है तो उनको याद जरूर कर लें। सिरसा के पानीहारी में साबू सा मेला कब आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों ये आयोजित किया जाता है अगस्त सितंबर महीने में। अब दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोवर्धन पूजा किस दिन के अगले दिन की जाती है, तो दोस्तों ये दिवाली। और अब की बार तो आपकी भी दिवाली दोस्तों ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो त्यौहार की खुशी होगी आपको दिवाली की, दूसरी तरफ आपको एग्जाम की भी टेंशन होगी क्योंकि 2-3 दिन पास तो एग्जाम ही शुरू हो जाएंगे आपको। पर कोई बात नहीं है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करो। यदि अब की बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी ज्वाइनिंग मार्च से पहले हो जाएगी और अगली दिवाली आप बड़े ही धूमधाम से मना सकोगे, ठीक है। और ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 24 की। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी, दोस्तों ये हिसार शहर की जो स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, कब की थी दोस्तों इसके बारे में बता देता हूँ। फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसमें बसाया था और दोस्तों हिसार जिले की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी जब हरियाणा बना था। इसके बारे में दोस्तों और भी कुछ मैं आपको जानकारी बता देता हूँ कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए 4 गेट हैं हिसार के अंदर, लाहौरी गेट, तालाकी गेट, मौरी गेट और नागौरी गेट। और दोस्तों इसके अलावा जो है हिसार NH-10 और अब जो नाम बदलकर 9 कर दिया है पर स्थित है, यहाँ पर पर्यटन विभाग ब्लूबर्ड फ्लेमिंगो है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 25 क्वेश्चन की। हरियाणा में सोना कार रैली किस वर्ष में शुरू की गई थी, दोस्तों ये कल की भी वीडियो में आया था, तो दोस्तों ये शुरू की गई थी 1964 के अंदर और ये जो रैली है ये फरवरी महीने के अंदर की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की। दोस्तों नंबर 1 क्वेश्चन है, वर्ष 1864 में जींद राजे के शासन के विरोध किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो दोस्तों ये नेतृत्व किया था हाकिम कासिम अली ने। 1864 में जींद राजे के शासन के विरोध किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, दोस्तों ये किया था हाकिम कासिम
कासिम अली ने। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में वहाबी आंदोलन का नेता नहीं था? तो दोस्तों ये नहीं थे विलायत अली खान और मोहम्मद शफी, मोहम्मद जफर और मौलवी मोहम्मद कासिम जो है वहाबी आंदोलन के नेता थे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने अपने भजनों के माध्यम से आर्य समाज के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों ये निभाई थी पंडित बस्तीराम ने, जिन्होंने अपने भजनों के माध्यम से आर्य समाज के विस्तार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों पंडित बस्तीराम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया था कुरुक्षेत्र में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्ष 2017 के राज्य बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में हरियाणा का अनुमानित राजस्व घाटा क्या था? तो दोस्तों ये था 1.33%। तो दोस्तों आप जो है बजट को बड़े ही ध्यान से कर लें, आपके जो एग्जाम में बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उनको जरूर कवर कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पेट्रो कार्ड स्कीम के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को चुना गया है? तो दोस्तों ये पेट्रो कार्ड स्कीम के लिए इंडियन ऑयल कंपनी को जो हरियाणा सरकार ने चुना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 7 पर, निम्नलिखित वर्तमान भारतीय क्रिकेटरों में से किसने एक बार अंडर 16 भारतीय शतरंज टीम में भाग लिया था? तो दोस्तों ये लिया था युजवेंद्र चहल ने, और ये क्रिकेटर भी हैं और इन्होंने जो है अंडर 16 भारतीय शतरंज टीम में भाग लिया था। दोस्तों इनका जन्म 23 जुलाई 1990 में जींद में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। और आप जो ये खिलाड़ी जितने भी हैं इनसे संबंधित, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, किस खेल से संबंधित है, दोस्तों इनको भी कवर जरूर कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा सरकार की हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कितने गाँवों को वाईफाई सेवा प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों ये प्रदान की जाएगी 100 गाँवों को। दोस्तों अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रत्नावली के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब आपने सभी ने पता होगा, इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन, जिसने जो है रत्नावली की रचना की थी। अब दोस्तों करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर 10 की, निम्नलिखित में से किसने मुकदमा ए शेर ओ शायरी को लिखा था? तो दोस्तों ये लिखा था ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों इसका भी आपने पता होगा जवाब, चंद्र बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो लिखी थी इन्होंने ही। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा में 2011-12 के अनुसार विश्वविद्यालयों की कुल संख्या है? तो दोस्तों ये है 23। हरियाणा में जो 2011-12 के अनुसार विश्वविद्यालय हैं उनकी कुल संख्या 23 है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा का कौन सा शहर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है? तो दोस्तों ये शहर है चंडीगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में उचित मूल्य की दुकानें हैं, दोस्तों ये हैं 9,375 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में इतनी जो है 9,375 उचित मूल्य की दुकानें हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस गांव का प्रत्येक पुरुष या स्त्री जो राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में शामिल है वो उस गांव की ग्राम सभा का सदस्य होता है या होती है? तो दोस्तों ये विधानसभा की जो मतदाता सूची के में जो इसका नाम होता है शामिल, वो उस गांव की ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में एक से अधिक बार कार्यरत नहीं थे? तो दोस्तों ये नहीं थे उकम सिंह, और भजन लाल जो है कुल लंबे समय तक सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे, और देवीलाल भी दोस्तों दो बार रहे थे, और बंसी लाल की बात की जाए तो दोस्तों बंसी लाल भी जो है 3 बार रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों ओम प्रकाश जो चौटाला था सबसे अधिक बार 5 बार बने थे, और लगातार सबसे लंबे समय तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे थे हरियाणा के सीएम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्ष में पानीपत की नगर पालिका का पद बढ़ाकर उसे नगर निगम बना दिया गया था? तो दोस्तों ये 2010 के अंदर जो है पानीपत की नगर पालिका का पद बढ़ाकर उसे नगर निगम बना दिया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर 18 की, गुड़गांव को अब आधिकारिक व अनाधिकारिक रूप में किस नाम से जाना जाता है?
तो दोस्तों ये जाना जाता है गुरुग्राम को, गुरुग्राम के अब गुड़गांव जो पहले इसका नाम था अब गुरुग्राम कर दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों हरियाणा का राज्य वृक्ष पीपल है, और पशु की बात की जाए तो हरियाणा का काला हिरण है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। कहीं कहीं पर दोस्तों नील गाय जो रोंज भी लिखा हुआ है जो कि गलत है, और इसका जो राइट आंसर काला हिरण ही आएगा, ब्लैक बग। ठीक है दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, ऑप्शन में यदि नील गाय या रोंज आ जाता है उस वह ऑप्शन जो है आपने नहीं करना है, केवल काला हिरण ही करना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में से होकर नहीं गुजरती? तो दोस्तों ये ऑप्शन से पता चलता है कि यमुना भी हरियाणा से निकलती है, घग्गर भी, मारकंडा भी, और जो गंगा नदी है वो हरियाणा से नहीं निकलती है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अंदर कवर की हुए हैं, और हम अपनी वीडियो में 1500 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और दोस्तों जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, नीचे रेड कलर का एक बटन होगा और बेल का आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें, और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। अब बात करते हैं नंबर 21 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस फसल को पानी की आवश्यकता अधिकतम होती है? तो दोस्तों ये गन्ना जो होता है उस फसल को पानी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की, हरियाणा में के कौन से स्थान को प्राचीर वाला शहर वाल्ड टाउन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है करनाल को, प्राचीर वाला शहर वाल्ड टाउन के रूप में, किसको? करनाल शहर को, करनाल जिले को। हरियाणा के जाट अक्सर एक पृष्ठभूमि पर सफ़ेद त्रिकोण वाली दरिया बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो नीली पृष्ठभूमि पर जो सफ़ेद त्रिकोण बनाने वाली दरिया बनाने के लिए जो है हरियाणा के जाट जाने जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 24 क्वेश्चन की, दोस्तों रस मंगल तीर्थ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों रस मंगल जो तीर्थ स्थान है वो केथल में स्थित है। और अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, नंबर 25 की, दोस्तों ये हमारा 50वां क्वेश्चन है, सरका तीर्थ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो सरका तीर्थ है ये भी केथल में स्थित है, और आपके एग्जाम में एक तीर्थ से या मंदिरों से भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप दोस्तों उनको भी कवर कर लें, और जितना भी आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवीजन ज़रूर करें। दोस्तों आपके पास चाहे एक बुक हो दो बुक हो उसका अच्छे ढंग से रिवीजन कर लें, क्योंकि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, 3-4 क्वेश्चन आएंगे जिनको हम इन वीडियो में कवर कर लेंगे और वो हमारे ठीक हो जाएंगे, और जो आसान क्वेश्चन है उसको जब जब आप बार बार रिवीजन करोगे तब आपको याद रहेंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में जितने भी आपको स्टडी ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी को इन क्वेश्चनों की जानकारी हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।